दोस्तों मौके पे चौका मारना किसको कहता है, जियो से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। जी हाँ दोस्तों, जियो ने अपना यूपीआई सर्विस लॉन्च कर दिया, जैसे फोन पे और गूगल पे ने लॉन्च किया है। जियो ने यह यूपीआई सर्विस अपने माई जियो एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया है। इसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में 2 मिनट बने रहिए, पूरा डिटेल्स आपको बता देता हूँ। बस 1 मिनट का कम है, बस 1 मिनट के अंदर जो है आप जियो यूपीआई यानी कि जियो भीम यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं माई जियो एप्लीकेशन में, और वहां से आप किसी भी तरह का पेमेंट कर सकते हैं, एड मनी, सेंड मनी या फिर किसी भी तरह का बिल भुगतान, गैस बिल, बिजली बिल, रिचार्ज, किसी भी तरह का आप काम कर सकते हैं जो कि यूपीआई के जरिए आप कर सकते हैं, नेशनल पेमेंट सर्विस के जरिए। ठीक है, तो आप दोस्तों यहां पे बात कर रहे थे कि यदि आप लोग जियो सिम कार्ड यूजर्स हैं तो आपको बस एक काम करना है। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना है क्या आप लोग जियो सिम कार्ड यूजर्स हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बात कर लेता हूं आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले माई जियो एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है गूगल प्ले स्टोर पर जाके। ठीक है, माई जियो एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप जैसे ही माय जियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, बस आपके सबसे ऊपर पे आपको सेकंड कॉलम में जो है यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा, जियो यूपीआई का। ठीक है, तो वो नया ऑप्शन ऐड हुआ है। ठीक है, जियो के माय जियो एप्लीकेशन में जियो यूपीआई के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ पेज आ जाएंगे। आपको ऊपर करना है, स्क्रॉल अप करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, आपको स्टार्टेड करना है। और उसके बाद आपका जो भी जियो सिम कार्ड नंबर रहे या फिर आपका अदर सिम कार्ड नंबर रहे जिसमें आपका बैंक अकाउंट लिंक है, ठीक है, उस नंबर पे आपको वेरीफाई ओटीपी करना है। तो उस नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, एम पिन सेट करने का रहेगा 4 डिजिट का, तो एम पिन सेट कर देंगे। बैंक सेलेक्ट करने का रहेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बगल में दिखा ही रहा हूँ, तो आपको बैंक सेलेक्ट करना है आपका कौन सा बैंक है। ठीक है, बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक वेरीफाई कर लेगा मैसेज के जरिए, और बैंक वेरीफाई होने के बाद आपका जो वहाँ पे पूछा जाएगा कि यूपीआई ऑलरेडी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही मेरा यूपीआई था, फिर भी मैं जो है नहीं आपको दिखाने के लिए वहां पे नो किया हूं, तो ठीक है, तो वहां पे आप नो करेंगे तो आपका कार्ड नंबर पूछा जाएगा जिस भी बैंक के थ्रू आप वहां पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, उस बैंक का कार्ड नंबर आपको भर देना होगा, लास्ट का 6 डिजिट और पीछे का जो है एक्सपायरी डेट भरना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से एक मैसेज आएगा, आपको वो मैसेज फिल करना है, 6 डिजिट का मैसेज फिल करना है और नया से यूपीआई जो है क्रिएट करना है। ठीक है, तो 6 डिजिट का आप नया यूपीआई क्रिएट कर देंगे 2 बार, उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से पेज आएगा जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बस इसके बाद आपका जो जियो यूपीआई का सर्विस जो है वो चालू हो जाएगा, आप यहाँ से किसी भी तरह का बिल भुगतान करने के लिए रेडी हो गए हैं। आप एक क्लिक में डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से किसी को रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, भीम यूपीआई के स्कैनर कोड के जरिए आप दुकान पे या कहीं भी बिल भुगतान भी कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। अब आपको फालतू का कोई भी ऐप यूज नहीं करना है, बस आपको एक ही ऐप पे माई जियो एप्लीकेशन पे ही आपको हर एक तरह का जो है यूपीआई पेमेंट सर्विस का मजा आ जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा प्लीज से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।